हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी क्रो। दिस इज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट डिस्कस अबाउट द सिलेबस ऑफ क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस। इन क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस वी हैव टोटल 8 चैप्टर्स, बट ड्यू टू द COVID-19 पैंडमिक्स वी नीड नॉट टू डू ऑल द चैप्टर्स। वी हैव ओनली 4 चैप्टर्स। फर्स्ट वन इज द पावर शेयरिंग, सेकंड वन इज द फेडरलिज्म, थर्ड वन इज द पोलिटिकल पार्टी एंड द लास्ट वन इज द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ऑल द चैप्टर्स आर कोरिलेटेड, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एंड वी आर गोइंग टू रिज्यूम आवर टूर वट वी हैव डिस्कस इन द क्लास 9th। इन द क्लास 9th इन ऑल द चैप्टर्स वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेमोक्रेसी। यहाँ पर भी हम उसी डेमोक्रेसी को समझने की कोशिश करेंगे। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ क्लास 10th सिलेबस इज दैट ऑल द चैप्टर ऑफ पोलिटिकल साइंस आर वेल रिटन। दे हैव अ केस स्टडी और द स्टोरी। सभी चैप्टर में एक केस स्टडी है, स्टोरी है, दैट मेक्स द लर्निंग क्वाइट इफेक्टिव एंड ईजियर। काफ़ी मजा आने वाला हमें पॉलिटिकल साइंस को पढ़ करके। लेट्स बिगिन टूडे सेशन। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट्स डिस्कस वट वी आर गोइंग टू हैव इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। वी आर गोइंग टू बिगिन विद द स्टोरी ऑफ बेल्जियम। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कल्चर और द सोशियो इकोनॉमिक फीचर्स ऑफ बेल्जियम। हम बेल्जियम को समझने की कोशिश करेंगे कि वहाँ के एथनिक कंपोजिशन को समझने की कोशिश करेंगे। देन वी विल हैव द स्टोरी ऑफ श्रीलंका। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका एंड देन मेजिटेरेनियनिज्म इन श्रीलंका। देन द अकोमोडेशन इन बेल्जियम, मीन्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बेल्जियन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग। एंड इन द लास्ट एपिसोड वी विल डिस्कस अबाउट द वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, वाई शुड वी गो फॉर द पावर शेयरिंग। हम पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी क्यों करनी चाहिए, एंड फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, हाउ वी कैन डू द पावर शेयरिंग। सो इट इज़ क्वाइट ईजियर, काफ़ी आसान रहने वाला है। हम बेल्जियम श्रीलंका के एथनिक कंपोजिशन के बारे में जानेंगे, यानी कि वहाँ की जातीय बनावट कैसी, यानी कि किस प्रकार की कल्चर के लोग रहते हैं, और फिर वहाँ की प्रॉब्लम को समझेंगे, और फिर ये देखेंगे कि क्या आउटकम्स आए, और लास्ट में हम पावर शेयरिंग का कंक्लूजन निकालेंगे कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है और कैसे। लेट्स बिगिन विद द बेल्जियम। हम बेल्जियम से शुरुआत करेंगे, उससे पहले मैं पावर शेयरिंग को समझना कि ये पावर शेयरिंग क्या है। I hope that you are doing the house chores at home. You are helping your mom. अपनी mom की help करते होंगे. You are helping in cleaning and sometimes you are helping your mom in kitchen too. Same your father is doing. आपके father भी help करते होंगे. If they are not doing the lot of work but they are doing the outside work and they are too helping on Sundays. Sunday को especially वो help करते होंगे. अब क्या होता है इसमें help करने से? काम बढ़ जाता है. इट मीन्स दैट यू आर हैविंग द वर्क, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क, थोड़ा सा काम आप कर देते हो, लाइक दैट यू टू आर डूइंग द वर्क। अगर ज़्यादा नहीं करते तो एटलीस्ट यू आर पुटिंग योर एसेंशियल्स, योर स्कूल बैग, बुक्स ऑन द राइट प्लेस, उनको रख देखते होंगे, एंड स्पेशली ऑन संडेज यू आर हेल्पिंग द क्लिनिंग। संडे को आप क्लिनिंग में हेल्प करते होंगे। इससे क्या होता है? इट मीन्स इट रिड्यूस द बर्डन ऑन योर मदर। आपकी मदर के ऊपर बर्डन है वो थोड़ा कम हो जाता है। सेकंड, वी डू द वर्क ऑन टाइम, हमारा काम टाइम से हो जाता है। थर्ड, इट शेयर्स द हैप्पीनेस, वी हैव द मोर टाइम्स टू स्पेंड टुगेदर, हमारे पास ज़्यादा टाइम बचता है, हम साथ में स्पेंड कर पाएँ। क्या होता है इससे? ये क्या है? दैट इज द वर्क शेयरिंग, ये है काम का बंटवारा। इन द सेम वे देर इज ए पावर शेयरिंग, इसी तरीके से सत्ता का बंटवारा भी होता है, शक्तियों का बंटवारा भी होता है। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। इन स्कूल वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंचार्जेस, मिड डे मील इंचार्जेस, यंग ज्योग्राफर क्लब इंचार्जेस, इको क्लब इंचार्जेस, एक्टिविटी इंचार्जेस, डिसिप्लिन इंचार्जेस एटसेट्रा। वट हैपन इफ वी डोंट हैव द इंचार्जेस? इफ द प्रिंसिपल मैम और प्रिंसिपल सर ट्राइज टू डू द वर्क देमसेल्व्स, अगर वो सारा काम खुद करने की कोशिश करें तो क्या होगा? इट विल क्रिएट द हॉचपॉच, हॉचपॉच हो जाएगा, कुछ भी अच्छे से नहीं हो पाएगा, और इट माइट क्रिएट लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन टू, काफ़ी कन्फ्यूजन भी हो जाएगी। इट विल इफेक्ट योर लर्निंग प्रोसेस टू, आपकी लर्निंग प्रोसेस है वो है ख़राब हो जाएगी। अगर पावर शेयरिंग हो रही है वहाँ पर, ये भी पावर शेयरिंग है, दैट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्क, वट हैपन्स तब क्या होता है? ऑल द वर्क दैट कम्प्लीट्स ऑन टाइम, सारे टाइम से हो जाते हैं, बहुत अच्छे से हो जाते हैं, एंड इट रिड्यूस द बर्डन फ्रॉम प्रिंसिपल सर और प्रिंसिपल मैम, उनसे वर्कलोड कम हो जाता है। ये काम का बंटवारा है, काम का बंटवारा है ना, जो घर पे हम करें या स्कूल में हम करें, तो ये काम का बंटवारा है। इससे क्या होता है? वी कैन टेक द बेटर रिजल्ट्स, वी कैन
टेक द बेटर डिसीजन, हम बेटर डिसीजन ले सकते हैं एंड वी विल हैव द बेटर रिजल्ट टू, रिजल्ट भी बेटर होंगे एंड वी कैन कम्प्लीट आवर टास्क ऑन टाइम, टाइम पे टास्क भी पूरे हो जाते हैं. अच्छी चीज़ है ना ये पावर शेयरिंग. सो दैट इज ऑल्सो द पावर शेयरिंग. इसे हम शक्तियों का बंटवारा भी कहते हैं. ओके सेम थिंग. लेट्स कमिंग ऑन आर एनसीईआरटी कंसेप्ट के ऊपर आते हैं कि एनसीईआरटी ने पावर शेयरिंग को कैसे डिस्क्राइब किया. मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक दैट शेयरिंग पावर मीन्स डिवाइडिंग पावर मीन्स वीकनिंग द कंट्री. ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि शक्तियाँ, हमारे पास पावर है, हमने कुछ दूसरों को दे दी, हमारी पावर कम होगी. इट मीन्स द शेयरिंग द पावर्स मीन डिवाइडिंग द पावर्स एंड डिवाइडिंग द पावर मीन्स वीकनिंग द कंट्री. द सिमिलर थिंग वॉज बिलीव्ड इन द पास्ट. इट वॉज अज्यूम दैट ऑल द पावर ऑफ गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन लोकेटेड एट वन प्लेस. इन द पास्ट इट वॉज अज्यूम दैट पावर शुड नॉट बी शेयर्ड. That's why we had the monarchy system in the past and the powers, most of the decisions were taken by the kings, rulers. उनके द्वारा decision लिए जाते थे. A limited power was given to the ministers. थोड़ी सी power उनको दी जाती थी. Because at that time the concept was that sharing the power means dividing the powers and dividing the powers means weakening the country. And that's why in the past the stability of the government, the stability of the dynasty डिपेंडिंग ऑन द रूलर, रूलर कितना एक्टिव है उसके ऊपर डिपेंड करता था. बट नाउ एट दिस टाइम दिस नोशन हैव चेंज्ड विद द एमर्जेंस ऑफ डेमोक्रेसी. नाउ वी आर नॉट थिंकिंग दैट शेयरिंग द पावर इज द डिवाइडिंग द पावर और वीकनिंग द कंट्री. नाउ वी हैव द अनदर नोशन एज वी हैव डिस्कस थ्रू द एग्जाम्पल्स दैट वेन वी शेयर द वर्क एट होम वट हैपन्स, वी गेट द बेटर रिजल्ट, we get the task completed on time, we get the better outcomes, we get better the ideas. Same things we have learned from our example of school too, that we have the in charges, it means school performs better, school functions better, we get better learning environment. So with the emergence of the democracy that notions has changed. Ab ye notion change ho chuka hai. In a democracy people rule themselves through the institutions of self-government, we elect the our representative and that rule on ourselves. What is democracy? Democracy is the rule of the people. In democracy, we choose our government and we change our government. We choose our representative and we change our representative. हम choose भी करते हैं और उनको change भी करते हैं. किसके लिए? हमारे लिए. कौन? हम में से. So democracy is the government of the people, by the people and for the people. So in democracy people rule themselves through the institution of self-government. Everyone has a voice in the shaping of public policies. Har kisi ki awaaz suni jaati hai. Awaaz kab suni jayegi? When we have powers, powers to say something. And in a democratic country political power should be distributed among citizen. Democracy is based on the very idea that all the people must have the equal rights. अब जहाँ पे उसका बेस ही इसी चीज़ के ऊपर है कि सब लोगों के पास अधिकार होंगे. अधिकार कब होंगे? When we share the powers. It means democracy is equal to the power sharing. Democracy का मतलब है लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियाँ होना, power होना. So what is power sharing? हमारा concept अभी तक उस पर नहीं आए. Power sharing means distribution of the powers is known as power sharing. Sharing of the powers is known as power sharing. Shaktiyon ka bantwara. When we do not have the powers in single hand or group of peoples, that is known as power sharing. Jab ek vyakti ke paas power nahi hoti, to power sharing hoti hai. As we have in our country too, we have the central government, we have the local government, we have the state governments, and they have their own power. That is power sharing. As we have the three organs of the government, we have the three organs of the government that to have their own powers, that is also power sharing. So what is power sharing? Sharing of the powers or the distribution of the powers, that is power sharing. Or we can say that when the many people have the powers, that is the power sharing. Or when the power do not reside or doesn't reside in the hand of one person or group of people, that is power sharing. We'll try to understand this concept through the stories of Sri Lanka and Belgium. This is the map of Belgium. Belgium का ये map है. हम थोड़ा सा और Belgium को जानेंगे, उसके बाद वहाँ की समस्या को समझेंगे. Belgium is a small country in Europe. This is a small country of Europe and has a population
of a little over 1 crore. It means that the population is less than, or we can even less than the half of the population of Haryana. Haryana ki population according to the 2011 census was 2 crore 50 lakh ke aas paas thi, usse bhi kam hai yahan ki population. The ethnic composition of this small country is very complex. यहाँ की जो जातीय बनावट है, cultural जो distribution है यहाँ की, cultural के तौर पर हम कहें तो that is quite complex one. Ethnic composition means the there is a lots of diversities in this country. काफ़ी ज़्यादा diversities हैं. Out of the total population, that is the ethnic composition we are going to discuss, very important one. Out of the total population, 59% people lives in Flemish regions and speaks Dutch. It means 59% people are the Dutch speakers. 40% people in Belgium are living in the Wallonia regions and are the French speakers. Need not to memorize or that regions. It is very important we know about the speakers. That 59% Dutch speakers and 40% are the French speakers. Remaining 1% of the Belgians speak German. 1% are the German speakers. Means on the basis of the language in Belgium, there are the three groups. First one, Dutch speakers, 59%. Second one, French speakers, 40%. And third one, 1% people that speaks German. In Belgium's capital, there is a this composition is quite different. वहाँ पे Belgium की capital है, that is the Brussels. Brussels is the capital of the Belgium, and at present it is also the capital of European Union. 80% people speak French in Brussels, and 20% people are the Dutch speaking. It means the Dutch people are in majority in the entire country, and French are in minority in the entire country. But in Brussels, French are in the majority and Dutch are in the minority. So that is the ethnic composition of Belgium. Is it clear? Belgium is a small country of Europe, and its population is near about 1 crore, and three main groups are there. Dutch speaker 59%, second one French speakers 40%, and 1% are the German speaker. But the situation is quite different in capital Brussels. 80% people speak French and 20% Dutch speakers. So the Dutch speakers are in majority in the entire country, but in the minority in Brussels. You can check out in the map. This is the capital Brussels. Here the French speakers are in majority. This is the Walloon French speakers. These are the 40%. And that is the Flemish region, Dutch people. These are the 59% in total population of the country. And this is the German speaker area. These are just 1%. So this is the ethnic composition of the country. Now let's discuss about the problem of Belgium. कि वहाँ पे कौन सी समस्या हुई? The minority French speaking community was relatively rich and powerful. Who are in minority? French speakers. These are just 40% of total population of the country. These are rich and more powerful. They are more employed in the government jobs. ज़्यादा employed हैं, ज़्यादा धनवान हैं, and they are more developed. They are more advanced in literacy too. आगे हैं ये. But these are in minority. This made Dutch speaking community angry as they got the benefit of economic development and education much later. Dutch speakers blamed the French speakers that why we are lagging behind. We are lagging behind just because of the French speaking peoples. They denied our rights. They denied the equal development. They blamed. It happens. कई बार ऐसा होता है. It happens at our home too. कई बार ये होता है कि कभी comparison हो जाता है. तो sometimes we try to blame. हम खुद की बजाय दूसरों को blame करते हैं. That is natural. So the French speakers in Belgium, they are rich and they are more powerful. Dutch speakers are the backward economically as well as in the education, and they blame the French speakers for their backwardness. उन्होंने blame किया कि हम आपके कारण, क्योंकि हमें rights नहीं मिले, हम पीछे रहे. During the 1950s and 60s, tensions between the Dutch speaking and French speaking communities created due to these differences. During the 1950s and 1960s, tensions
बिटवीन द डच स्पीकिंग एज वेल एज द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज क्रिएटेड ड्यू टू दीज डिफरेंसेस. काफ़ी ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो जाती है एंड इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट इट कैन टर्न इन टू द वायलेंस. ऐसी उम्मीद थी कि शायद वायलेंस भी हो जाए. सो वट हैपन्ड आफ्टर दैट. सो फार वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, कि बेल्जियम में है क्या, और फिर हमने डिस्कस किया कि प्रॉब्लम क्या थी. प्रॉब्लम वॉज द टेंशन बिटवीन द फ्रेंच स्पीकिंग एंड द डच स्पीकिंग पीपल. क्यों? बिकॉज द फ्रेंच वर इन द माइनॉरिटी बट स्टिल दे वर मोर पावरफुल एंड मोर रिच, एंड डच हु वर इन मेजोरिटी दे वर द बैकवर्ड एंड दे होल्ड रिस्पॉन्सिबल हुज फ्रेंच स्पीकर्स. उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया कि आपके कारण हम पीछे हैं. सो इट कोज टेंशन बिटवीन द डच स्पीकर्स एंड द फ्रेंच स्पीकर्स. एंड वट हैपन्ड आफ्टर दैट? टू अवॉइड दैट टेंशन, उसके बाद बेल्जियम ने क्या डिसीजन लिया? टू अवॉइड दैट टेंशन बिटवीन 1970 टू 1993 बेल्जियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड फोर टाइम्स. हाउ मेनी टाइम्स? फोर टाइम्स बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड. अमेंडेड मीन्स उसको बदलाव किया गया, उसमें संशोधन किया गया, उसमें चेंज किया गया. इट वॉज अमेंडेड फोर टाइम्स टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट दैट वुड मेक एवरी वन लिव टुगेदर, कि कुछ ऐसे प्रयास किए गए सो दैट ऑल द कम्युनिटीज कैन लिव टुगेदर एंड टू अवॉइड द डिविजन और टू अवॉइड द टेंशन इन द कंट्री, की वो टेंशन तनाव को दूर करने के लिए. कितने टाइम? फोर टाइम्स. इट वॉज अमेंडेड बिटवीन 1970 टू 1993. दिस अरेंजमेंट इज नॉन एज बेल्जियन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग. जो कुछ भी बदलाव किया गया उसे हम बेल्जियन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग कहते हैं. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेल्जियन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग क्या था, ऐसा क्या किया कि ऑल द पीपल नाउ लिविंग टुगेदर पीसफुली, सब एक साथ मिलकर के रह रहे हैं. सो दिस इज नोन एज बेल्जियन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग. इट कैन बी आस्क इन योर एग्जामिनेशन, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है एज राइट द मेन फीचर्स ऑफ बेल्जियन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग. सो फर्स्ट फीचर ऑफ बेल्जियन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग इज दैट कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. फर्स्ट फीचर ऑफ बेल्जियन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग इज दैट नाउ इट वॉज डिसाइडेड दैट नंबर ऑफ मिनिस्टर्स फ्रॉम द डच स्पीकिंग कम्युनिटी एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों कम्युनिटीज के मिनिस्टर्स एक बराबर होंगे. इट डजेंट मैटर हु इज इन मेजोरिटी एंड हु इज इन माइनॉरिटी. सेकेंड, मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ द टू रीजन्स ऑफ द कंट्री. टू रीजन्स वेलोनिया एंड फ्लेमिश रीजन्स, उनको दे दिए गए सो दैट दे कांट ब्लेम ईच अदर. वो एक दूसरे को ब्लेम ना कर पाए कि अपना डिसीजन खुद लो. सो मेनी पावर्स वर टेकन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट्स एंड वर गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट्स सो दैट द डच स्पीकिंग एरिया एंड द फ्रेंच स्पीकिंग एरिया दे कैन टेक देयर ओन डिसीजन्स एंड दे कांट ब्लेम ईच अदर. थर्ड, ब्रुसेल्स हैज़ ए सेपरेट गवर्नमेंट. एक और सेट जो सेटअप किया गया, ब्रुसेल्स हैज़ ए सेपरेट गवर्नमेंट एज वी हैव इन दिल्ली एंड इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन सेम एज दे हैव इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट है वैसा ही कहाँ किया गया? ब्रुसेल्स में किया गया. इन ब्रुसेल्स टू दे हैव इक्वल नंबर्स ऑफ मिनिस्टर्स इन द गवर्नमेंट. दैट वॉज डन वाई, क्यों किया गया? बिकॉज द Dutch who were in majority, they were agreed to give the equal representation in the country. Central government में agree हुए. So the French who were majority in Brussels में जिनकी संख्या अधिक थी तो वो भी मान गए. Okay. So Brussels has a separate government in which both the communities have equal representation. यानी कि यहाँ पर ministers की संख्या number एक बराबर है. Fourth, there is also the provision of community government. They have a third type of government. एक अलग सी government बनाएगी. That is known as community government. Elected by the people belonging to the one language community. We don't have this type of government. हमारे देश में ऐसी government नहीं होती. Means every community, they elect their own community government. Dutch elect their Dutch community government, German community government, French community government. And that government has the power regarding the cultural, educational and language related issues that can take the decisions. Means central government is a separate for the entire country, but they have the one community government for every community, and that is responsible for taking the decision regarding the culture, educational and language related issues. Yani ki yahan par bhi aisa powers kinko de di gayi, un communities ko de di gayi taki wo apne decision khud le paye. So that is known as the Belgian model of power sharing.
क्वाइट कॉम्प्लेक्स वन, अजीब सा लग रहा होगा, मतलब एक गवर्नमेंट तो समझ में आ गई, सेंट्रल गवर्नमेंट है जैसे हमारे देश में होती है, वहाँ पे उन्होंने दे हैव द इक्वल नंबर्स ऑफ मिनिस्टर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, चलिए ये समझ में आ गया। देन दे हैव द सेपरेट गवर्नमेंट एट ब्रुसेल्स एंड इन ब्रुसेल्स टू दे हैव द इक्वल नंबर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन और इक्वल नंबर्स ऑफ मिनिस्टर्स इन द ब्रुसेल्स गवर्नमेंट, दैट टू इज ओके। बट द स्ट्रेंज थिंग इज दैट दे हैव देयर ओन कम्युनिटी गवर्नमेंट, ईच कम्युनिटी हैव देयर ओन गवर्नमेंट एंड दैट हैज द पावर टू टेक द डिसीजन रिगार्डिंग द एजुकेशनल कल्चरल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। ये हमसे थोड़ा सा अलग है, क्वाइट कॉम्प्लेक्स लग रहा है हमें समझने में, बट दैट इज द गारंटी ऑफ पीस देयर, वहाँ पर शांति की गारंटी है, एंड दैट इज नॉन एज पावर शेयरिंग मॉडल ऑफ बेल्जियम, इसे पावर शेयरिंग मॉडल कहा गया। इट मीन्स दैट ईच कम्युनिटी हैव देयर ओन पावर्स टू टेक देयर ओन डिसीजन्स। So we have so far discussed in this today's episode about what is power sharing, and we discussed about the ethnic composition of Belgium. I think it is quite clear that there are the three main communities. Then we discussed about the problems of Belgium, and in the end we discussed the most important question of today's episode, Belgian model of power sharing. So that's all in today's episode. In the next episode we are going to discuss about the Sri Lanka. Okay, bye. Have a nice day.